हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। इफ यू आर न्यू हियर, माय नेम इज दीपिका एंड आई अपलोड हियर एवरी ऑल्टरनेट डे अबाउट होम मेकिंग, मॉमीज लाइफस्टाइल। आज आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा एवरीडे मॉर्निंग क्लीनिंग रूटीन। आई होप आज की ये वीडियो आपके लिए इंजॉयबल होगी और आपको थोड़ी बहुत क्लीनिंग मोटिवेशन देगी। तो अद्वी जा चुकी है स्कूल, विकास ड्रॉप करने गए हैं और अद्वी के स्कूल जाते ही मैं ईवी को रेडी कर देती हूँ दिन के लिए। तो ईवी यहाँ पे रेडी है और उसको मैंने उसकी हाई चेयर पे बिठा दिया है। आजकल मोबाइल काफी मांगती है वो, क्योंकि सभी को देखती है, तो मैंने उसको अपने मोबाइल का कवर दे दिया है एंड शी इज क्वाइट हैप्पी विद दैट। और दिन का ये वो टाइम होता है जब वो थोड़ी बहुत देर अपनी हाई चेयर में बैठी रहती है और मैं क्विकली अपना काम फिनिश करने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने उसकी बिब लगा दी है, साथ ही मैंने उसको दे दिया है पैनकेक छोटे छोटे बाइट साइज करके, तो वो मंचिंग करती रहेगी। और साथ ही जो है वो नर्सरी राइम्स मैंने उसके लिए लगा दी है, तो वो देखती रहेगी और मैं क्विकली ऊपर जाके सारी क्लीनिंग करूंगी। तो सबसे पहले मैं मास्टर बेडरूम में आई हूँ और यहाँ के मैंने कर्टेन्स हटा दिए हैं, अच्छी सी रोशनी अंदर आती है और विंडो भी मैं थोड़ी देर के लिए ओपन कर देती हूँ। हालांकि ठंड काफी बढ़ गई है बट फिर भी थोड़ी सी फ्रेश एयर आनी ही चाहिए। और यहाँ पे मेमोरी भी आप सभी को हाई बोल रहा था। इसके बाद ईवी का जो कॉट बेड है उसको मैं सबसे पहले करूंगी और मिरर के ऊपर जो है मैंने अपना बाथरोब टांगा हुआ था, क्योंकि ये वाली लाइट हम जलाकर सोते हैं और इसके ऊपर मैं डाल देती हूँ तो मिरर भी कवर हो जाता है और फिर रूम में बहुत ज्यादा रोशनी भी नहीं रहती है, क्योंकि जो भी साइड लैंप्स वगैरह है वो डिमेबल नहीं है, फिर वो बहुत तेज रोशनी होती है और ईवी के साथ हल्की सी रोशनी कमरे में चाहिए होती है, तो इसीलिए उसको कवर कर देते हैं। तो बहुत ही डिसेंट सी रेड कलर की रोशनी पूरी रात जो है वो कमरे में रहती है। तो चलिए बस यहाँ पे अब मैं बेड बना दूंगी और मैंने शीट जो है वो अच्छे से झाड़ ली थी। इसके बाद पिलोज वगैरह लाइन अप करके और मैं बेड को काइंड ऑफ डेकोरेट कर दूंगी एंड इट इज गुड फॉर होल डे। इसके बाद मैं क्विक डस्टिंग यहाँ पे कर दूंगी। तो जितने भी ओपन सरफेस होते हैं, ऐसा नहीं कि हर एक आइटम को हटा हटा के या हर एक आइटम की मैं बिल्कुल अच्छे से डस्टिंग करूंगी, बट हाँ जो ओपन सरफेस मुझे सामने सामने दिखाई देते हैं उन सभी की मैं डस्टिंग कर देती हूँ। अदरवाइज मेरा जो वीकली क्लीनिंग रूटीन होता है कि एक रूम में एक दिन लेके चलती हूँ, तो तब मैं बिल्कुल अच्छे से सारी चीजें हटा के करती हूँ, बट हाँ जो भी ओपन सरफेस सामने सामने होता है वहां की डस्टिंग मैं एवरी डे कर देती हूँ, तो वो एकदम से गंदा भी नहीं लगता। अदरवाइज आप बोलते हैं ना कि दीपिका यहाँ पे तो धूल वगैरह कुछ भी नहीं उड़ती है, तो ऐसा कुछ नहीं है, एवरी डे बहुत डस्ट आती है और जब वैक्यूम होता है तो फाइन डस्ट बहुत उड़ती है और वो फिर सरफेस पे बैठती है, तो एवरी डे भी यहाँ पे डस्टिंग करनी पड़ती है। तो रूम जो है वो सेट हो गया और यहाँ मिरर के ऊपर मुझे हल्का सा मार्क दिखाई दिया, तो मैं उसको दोबारा से क्लीन करने लगी। हालांकि फिर ये मुझे बाद में पेपर से क्लीन करना पड़ा क्योंकि हल्का सा रैश सा आ रहा था इसके ऊपर। और बस इसके बाद मैं आ गई हूँ अद्वी के रूम में, उसका नाइट सूट पड़ा हुआ था तो वो मैं हैंग कर दूंगी। और रात विकास जो है वो अद्वी के रूम में सो रहे थे, क्योंकि आजकल काफी लेट ही काम करते हैं, 2:30 बज जाते हैं उनको रात को और बुक चैप्टर लिख रहे हैं वो एक और उसके लिए बहुत शांति और बहुत सारी रिसर्च की जरूरत होती है, तो रात को वो करते हैं और फिर दिन में नैप ले लेते हैं। तो यहाँ पे उन्हीं की जो है वो रजाई रखी हुई थी, तो वो मैंने फोल्ड करके दूसरे कमरे में रखी है और साथ साथ जो अद्वी का बेड है वो मैंने अच्छे से अरेंज कर दिया है और जो उसके फ्लोटिंग शेल्फ है इनके ऊपर भी अब मैं डस्टिंग कर दूंगी। तो एक रूम एक बार में लेके चलती हूँ मैं और उस रूम को कम्प्लीटली क्लीन और अच्छे से टाइडी कर देती हूँ। तो यहाँ पे बेड वगैरह भी मैंने अच्छे से डस्ट कर दिया है और विंडो जो है वो ओपन कर दी है। इसके बाद मैं आई हूँ एटिक में। एटिक क्वाइट मैसी हो रहा है, डेली का होता है तो है काम, लेकिन अद्वी ने एक्चुअली कल शाम आके यहाँ थोड़ा सा और मैस मचाया तो मुझे वो क्लीन करना है। तो यहाँ पे विकास का एक ब्लैंकेट जो है दिन में वो पैरों के ऊपर डाल के बैठते हैं, क्योंकि
ऑटोमेटिक जो है वो काफी ठंडा हो जाता है। हालांकि दो रेडिएटर हैं इस वाले रूम में, बट स्टिल यहाँ पे काफी ठंडक रहती है। वो कई बार एक्स्ट्रा हीटर भी चलाते हैं। तो बस उनकी जो स्टडी टेबल है उसको मैं एक बार अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दूंगी। मैन जो है वो कितना भी ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करें, लेकिन जब तक हम आके जो है वो चीजें ठीक से ना लगाएं तब तक बात नहीं बनती है। तो मैं एक बार यहाँ पे क्विकली जो है वो डस्टिंग कर दूंगी, और यहाँ पे ये उनका ब्लैंकेट रखा हुआ है तो इसको फिर मैं स्टोरेज में रख दूंगी, रजाई जो थी। और साथ ही ये वाला सिंगल बेड है एक, और इसको भी मैं अच्छी तरीके से पिलोस लगा के थोड़ा सा अरेंज कर दूंगी। यहाँ पे आपको एक कार्डबोर्ड बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, तो एक्चुअली ये दिवाली डेकोर है जो अभी तक स्टोरेज में नहीं रखा गया है। ये विकास का काम है और वो इतने बिजी है कि इनको यही रखने का जो है वो टाइम नहीं मिल पा रहा है। और फिर इसमें से अद्वी ने जो है वो स्टेंसिल निकाले हैं रंगोली वाले कि आई एम गोना मेक ऑन पेपर, तो उसने आके ये बॉक्स जो है वो ओपन करके और इसमें से काफी सारी चीजें निकाल दी थी। और बस मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ पे अरेंज कर दिया है, जो एक्स्ट्रा स्टफ था वो थोड़ा स्टोरेज में रख दिया है, और आई होप कि विकास जल्दी से जो है इस दिवाली वाले बॉक्स को पैक करके भी रख दें। तो एटिक रूम जो है वो भी नाइस एंड टाइडी हो गया है, बस वो एक बॉक्स रखा हुआ है। इसके बाद चलते हैं बस अब नीचे जो स्टेयर रूम है इसको करते हैं। तो काइंड ऑफ ये मेरा ऑफिस है, या फिर ईवी का चेंजिंग रूम आप इसको बोल सकते हैं, उसकी चेंजिंग यूनिट यहीं बनाई हुई है। तो यहाँ पे भी मैं क्विकली सारी चीजें टाइडी कर दूंगी और थोड़ी बहुत जो डस्टिंग होती है वो कर दूंगी। तो यू नो मुझे 15-20 मिनट लग जाते हैं ऊपर वाले फ्लोर को टाइडी करने में, डस्टिंग करने में, और पूरे घर की जो क्लीनिंग होती है वो मुझे 1-1.25 घंटा इसमें लग जाता है, कभी कभी 1.5 घंटा भी लग जाता है, और कभी कभी उससे ज्यादा भी हो जाता है। डिपेंड करता है कि ईवी किस तरह से बिहेव कर रही है। वैसे टोटल जहां तक मैंने देखा है तो 1.25 घंटे में मैं झाड़ू पोछा जो आप बोल सकते हैं, डस्टिंग, टाइडी अब सब कुछ मेरा हो जाता है। बट हाँ, बीच में जो है वो 1.5 घंटे का ब्रेक होता है, तब हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। जैसे कि ये क्विक टाइडी अप और इस क्लीनिंग के बाद फिर जो है हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर मैं बाकी की क्लीनिंग स्टार्ट करती हूँ। और जब तक मेरी ऊपर की ये सारी क्लीनिंग टाइडी अप होता है तब तक विकास जो है वो भी अद्वी को छोड़ के आ जाते हैं। फास्ट फॉरवर्ड में सारी चीजें देखना, इट इज सो सेटिस्फाइंग एक्चुअली। काश रियल लाइफ में भी ऐसा हो सकता तो 5-10 मिनट में ही सारी चीजें हो जाती, जैसे कि आपको आज की वीडियो जो है वो 25 मिनट्स की मिलेगी और इसमें जो है वो सारी चीजें हो जाएंगी। तो कुछ कपड़े जो है आयन के रखे हुए थे तो वो भी मैंने बास्केट में लगा दिए हैं, मोस्टली जो है वो विकास की ही टी शर्ट थी। इसके बाद मैं नीचे आ गई हूँ और यहाँ पे आके मैं लिविंग रूम की थोड़ी बहुत डस्टिंग कर दूंगी, जैसे कि सोफा के साइड्स होते हैं, लैंप रखा हुआ है, एक छोटी सी ये साइड टेबल है जिसके ऊपर लैंप है, तो इन चीजों की मैं क्विक डस्टिंग कर दूंगी यहाँ पे। और ईवी कई बार तो ऐसा होता है कि इस टाइम पे बेचैन हो जाती है, उसको होता है कि बस अब मुझे निकालो एंड आई जस्ट वेट के विकास आ जाए और वो उसको संभाले और मैं अपना काम जो है वो निपटा लूं, क्योंकि एक बार फिर ब्रेक हो जाता है ना तो फिर वो और काम बढ़ता ही चला जाता है। और मेरा टारगेट होता है कि मैं 10-10:30 तक अपनी जो है वो दिया बाती वगैरह सब कुछ कर लू। वैसे आपको यहाँ पे दिया दिखाई दे रहा होगा, तो यस विकास जो है वो सुबह ही शावर उन्होंने ले लिया था और दिया बाती उन्होंने कर दी है। और यहाँ पे जो डाइनिंग टेबल है इसकी भी मैं फटाफट डस्टिंग कर दूंगी। इसके बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में, और एवरीडे बेसिस पे मैं कोई भी स्प्रे वगैरह जो है वो यूज़ नहीं करती हूँ। नॉर्मल जो अगर लगता है मुझे कोई निशान हो रहा है तो मैं गीला कपड़ा यूज़ कर लेती हूँ, अदरवाइज जो नॉर्मल लाइक सूखे कपड़े से ही मैं सारी डस्टिंग कर देती हूँ। और डाइनिंग टेबल जो है वो रात को मैं स्प्रे क्लीन करके सोती हूँ तो वह क्लीन रहती है। और बस यहाँ पे अब बारी आ गई है किचन को क्लीन करने की। किचन में जो है वो सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, और अब जो है वो विकास भी आ गए हैं तो साथ साथ जो है
है वो उनसे भी बात हो रही है और उन्होंने ईवी को जो है वो निकाल लिया है। और इसके बाद फिर किचन की जो है वो अच्छे से क्लीनिंग करने के बाद हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट जो है वो ऑलरेडी बन चुका है, तो बस हल्का सा गर्म करके हमें खाना ही है। तो पूरे घर की जो है वो अच्छे से डस्टिंग हो गई है, क्लीनिंग हो गई है। इसके बाद जो मेजर काम बचता है दैट इज़ वैक्यूम एंड मोपिंग, वो रह जाएगा और वो फिर ब्रेकफास्ट के बाद होगा। तो ऐसा भी नहीं कि लगातार करते जा रहे हैं तो फिर वो थकान भी होने लगती है और फिर छोटा बच्चा है उसको भी मैनेज करना होता है, उसको भी टाइम देना होता है, तो ब्रेक ले लेके ही काम करना पड़ता है। तो यहाँ पे किचन जो है वो मेरा काउंटर टॉप वो भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। इसके बाद जो बड़ा काम होता है दैट इज़ डिश वॉशर को अनलोड करना और उसको लोड करना, और जो कुछ बर्तन कई बार हाथ से धुले होते हैं तो उनको उनकी जगह पर रखना जो कि डिश ड्रेनर में रखे हुए थे। और यहाँ पे मुझे बहुत तगड़े वाली जो है वो छींक आई थी, तो फिर मैं वॉशरूम में गई, हाथ वहाँ पे धोकर आई थी। और अब बस जो भी बर्तन है उनको मैं उनके प्लेस पे रख दूंगी। ये काम जो है कई बार जो है वो विकास भी कर देते हैं, बट आज जो है वो आपको बाहर दिखाई दे रहा होगा, तो ईवी को भी वो बाहर ही ले गए थे और पड़ोसी के साथ जो है वो उनकी काफ़ी बातचीत चल रही है, क्योंकि आज मौसम काफ़ी अच्छा था, धूप निकली हुई थी और टेम्परेचर जो है वो ठीक था, वो इतनी ज़्यादा ठंड नहीं थी। तो यस, वो बाहर धूप का थोड़ा सा मजा ले रहे थे ईवी के साथ। डिशवॉशर से रिलेटेड मेरे पास बहुत सवाल आते हैं कि दीपिका बर्तन कैसे साफ होते हैं, एक डेडिकेटेड वीडियो बना दो। तो मैं कोशिश तो करूंगी कि डेडिकेटेड वीडियो बना दूं, बट रही बात के बर्तन साफ होते हैं नहीं होते हैं, तो बहुत अच्छे से साफ होते हैं, इवन दो कई बार हाथ से जो है वो आप इतने अच्छी तरीके से साफ नहीं कर पाते हैं। स्टील का बर्तन तो बहुत अच्छे से चमकता है, या फिर ये जो चाय छानने वाली जो छलनी होती है ना, ओ माय गॉड, ये बहुत अच्छे से क्लीन होती है। तो डिशवॉशर इज रियली गुड अप्लायंस, और सच में ये होना चाहिए, अगर आप रख सकते हैं तो लें, बहुत हेल्प हो जाती है। तो बस बर्तन जो है वो मैंने लगा दिए हैं, और उसके बाद क्विकली डैम्प क्लॉथ से जो किचन की मेरी ये कैबिनेट्स हैं ये सारी की सारी मैं क्लीन कर दूंगी। और वही, कोई स्प्रे वगैरह मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। स्प्रे जो है वो मोस्टली वीकली बेसिस पे ही मैं यूज़ करती हूँ, जो मेरा वीकली क्लीनिंग रूटीन होता है, और या फिर अगर मुझे लगता है कि कोई दाग धब्बा लगा हुआ है तब स्पेशली मैं यूज़ कर लेती हूँ। पहले क्या होता था कि मैं रात को ये सारी क्लीनिंग जो है इस तरह की ना ये कैबिनेट्स करके सोती थी, बट अब रात को भी टाइम नहीं मिलता। जैसे ही ईवी सोती है आई फील लाइक कि चलो मैं अपना लाइक एडिटिंग से रिलेटेड काम कर लूँ, या फिर मेरा जो स्टडी से रिलेटेड मैं अपना वो काम कर लूं, तो रात को जो है बस एक वैक्यूम मैं कर देती हूं, बट इस तरह से कैबिनेट्स क्लीन नहीं करती हूं। तो ये अब मैं सुबह को ही करती हूं सारा का सारा। तो यहां पे किचन जो है वो मेरी बहुत ही अच्छे से क्लीन हो चुकी है, और लाइट्स वगैरह मैंने ऑफ कर दी है। और एक चीज मैं यहां पे दिखाती चलूं, तो वी आर नॉट परफेक्ट, ये अद्वी का लंच बॉक्स है जो उसके बैग में कल का रखा हुआ था। तो सुबह जब मैंने उसको दूसरा दिया तो ये बैग में से निकला, तो कई बार वो भी भूल जाती है और मैं भी भूल जाती हूँ, तो ये मैंने अब डिशवॉशर में लगाया है। तो ऐसा हो जाता है और अपना भी दिन याद आ जाता है कि कई बार जो है वो लंच बॉक्स जो है वो बैग में रह जाता था, और फिर मम्मी से बड़ी डांट पड़ती थी कि ये कल का रखा हुआ है अभी तक बैग में। खैर चलिए, अब यहाँ पे मैं क्विकली करने वाली हूँ वैक्यूम। वैसे बीच में जो है वो ऑलमोस्ट आधे घंटे का ब्रेक हो चुका है किचन क्लीनिंग के बाद, क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट वगैरह किया है, और बस अब मैं फटाफट यहाँ पे वैक्यूम कर लूँगी। इस टाइम पे जो है वो विकास ईवी को रखते हैं, लेकिन आज जो है उनकी एक मीटिंग आ गई और जो ब्रेक है वो हमारा थोड़ा सा लंबा हो गया, तो मुझे ईवी को फिर दोबारा से उसकी हाई चेयर में बिठाना पड़ा। और लकीली वो बैठ तो गई, थोड़ी बेचैन हो रही थी। और बीच में हमारा ब्रेक लंबा क्यों हुआ, क्योंकि जो मैडम है हमारी, इन्होंने पैनकेक को मश कर करके अपने कपड़ों के ऊपर इस तरह से कर लिया था कि मुझे जाके फिर इनके कपड़े बदलने पड़े। तो यस, अलग से जो है वो 10-15 मिनट फिर लग ही जाते हैं, और इसको कपड़े बदलवाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो कपड़े उसके मैंने बदले और बस उसके बाद क्विकली अब मैं फटाफट कर दूंगी, क्विकली फटाफट, ओ माय गॉड, दोनों का मतलब एक ही है वैसे। तो ऊपर वाले फ्लोर पे मैं आ गई हूँ और यहाँ पे अब मैं वैक्यूम कर दूंगी।
पूरे घर का वैक्यूम करने में एटिक को छोड़ के, एटिक जो है वो विकास ही करते हैं और फिर उनकी मीटिंग वगैरह भी जो है वो उस टाइम तक शुरू हो जाती है जब तक कि मेरा वैक्यूम का काम शुरू होता है। तो एटिक को मैं रहने देती हूँ, लेकिन जैसे अद्वी का रूम है, हमारा रूम है, ये लैंडिंग एरिया है, वॉशरूम है, स्टेयर रूम है, तो ये और नीचे वाला पूरा फ्लोर वैक्यूम करने में मुझे 22-25 मिनट्स के करीब लग जाते हैं। सेम उतना ही टाइम जो है वो मोपिंग में भी लगता है। तो एक सवा घंटे में जो है वो सारी की सारी मेरी क्लीनिंग हो जाती है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है। और वैक्यूम जो है वो डेली होता है, नीचे भी ऊपर भी, लेकिन जो मोपिंग है वो मैं एवरीडे दोनों फ्लोर पे नहीं करती हूँ, क्योंकि ऊपर जो है वो इतना ज़्यादा रहा नहीं जाता है, मोस्टली हम लोग नीचे ही रहते हैं तो ऊपर इतना गंदा नहीं होता है। तो वैक्यूम जो है वो डेली कर दो तो उससे भी सफाई अच्छे से मेंटेन रहती है। तो ऊपर की जो मोपिंग है वो मैं एक दिन छोड़ के एक दिन करती हूँ। वैसे भी हमारा और अद्वी का जो रूम है उसी में ही जो है वो लेमिनेट फ्लोरिंग है, तो उसी पे जो है सिर्फ पोचा लगाना होता है, तो वो एक दिन छोड़ के एक दिन लगाती हूँ। बाकी नीचे वाले फ्लोर पे एवरीडे मैं मोपिंग करती हूँ, और कभी कभी मैं रात को भी करके सोती हूँ जब मुझे लगता है कि किचन में कुछ ज़्यादा निशान हो गए हैं। छोटा बच्चा है घर में तो बहुत चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं, नीचे कुछ भी गिरता है तो एकदम उठा के जो है वो मुँह में डालने की कोशिश करती है। बच्चों को कुछ नहीं पता था, उसके सामने तो सांप भी आ जाएगा, बिच्छू भी आ जाएगा, तो वो उसको भी उठा के मुँह में डालने की कोशिश करेगी। तो यहाँ पे वैक्यूम जो है वो हो गया है, और उसके बाद फिर से मेरा जो है वो 15 मिनट का ब्रेक हुआ है यहाँ पे, क्योंकि ईवी का मॉर्निंग नैप का टाइम हो गया था, तो मैंने उसको गोद में लिया, थोड़ा सा हिलाया और उसको सुलाया। तो यहाँ पे कॉट में फिलहाल वो सो रही है, और उसके बाद मैंने जो है वो मोपिंग शुरू करी है, और ऊपर वाले फ्लोर से जो है वो मैं मोपिंग शुरू करती हूँ। और स्टीम मॉप इज रियली गुड इन्वेस्टमेंट। वैसे मेरे लिए तो ये गिफ्ट था लास्ट ईयर क्रिसमस पे, जो है वो मेरी फ्रेंड आकांक्षा ने ये दिया था। तब हम इस घर में मूव नहीं हुए थे, बट हमको कीज मिल चुकी थी और घर में जो है वो काम चल रहा था उस टाइम पे। और इससे जो है वो सरफेस बहुत ही अच्छा इससे आपका क्लीन हो जाता है, और स्टीम क्लीनिंग होती है तो कुछ भी बैक्टीरियल इन चीज़ों का डर नहीं रहता है, तो बहुत अच्छे से ये क्लीन करता है। और ज़िफ्लोरा का एक आता है फ्लोर वुड फ्लोर क्लीनर, तो वो पानी के अंदर मिला के वो सॉल्यूशन मैं अपने स्टीम मॉप के अंदर यूज़ करती हूँ। तो यू नो हल्का सा उसके अंदर ऑयल होता है, ऑयल बेस्ड रहता है, तो उससे जो आपका वुडन फ्लोर होता है उसके अंदर शाइन बरकरार रहती है। आज की वीडियो में मैं भूल गई उस बॉटल को दिखाना, बट आगे किसी वीडियो में मैं ज़रूर आपके साथ वो शेयर करूँगी। बहुत ही अच्छा वो स्पेशली वुड फ्लोर के लिए ही है, और उससे बहुत अच्छी शाइन आती है, साथ ही कोई अगर निशान पड़ा हो तो वो भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही अफोर्डेबल रेंज का है, होम बार्गेन पे मिल जाता है आपको, और वैसे भी आई थिंक टेस्को वगैरह पे भी, टेस्को के अपने ब्रांड का भी आई थिंक वुड फ्लोर क्लीनर है, जो मैं जो सबसे पहले वाला हमारा घर था, काइंड ऑफ अपार्टमेंट था वो, वन बेडरूम अपार्टमेंट, तो वहां पे पूरे उसमें वुडन फ्लोरिंग थी, तो वहां पे मैं हाथ से ही पोछा लगाती थी, तब तो ये सारी चीजें नहीं थी हमारे पास, तो उस टाइम पे भी मैं उसको यूज़ करती थी और हमारा जो वुडन फ्लोर है वो बहुत चमकता रहता था। फ्रेंड्स भी आके कहते थे कि दीपिका बहुत अच्छे से चमकता है, तो मैं तभी से जो है वो यूज़ करती हूँ। जो इससे पहले वाला घर था उसमें तो खैर सब जगह ही कारपेटिंग थी, सिर्फ किचन जो है वहाँ पे थोड़ा सा जो है वो विनाइल फ्लोरिंग थी, तो वहाँ पे जो है वो उसकी ज़रूरत पड़ी नहीं। तो बस यहाँ पे पूरे घर की जो है मैंने अच्छे से यहाँ पे मोपिंग कर, और इसके बाद जो है बस अब फटाफट क्या काम करना है। यस, आपने सही पहचाना, अभी बाथरूम क्लीनिंग तो बची है। तो यस, जो बाथरूम क्लीनिंग होती है वो बस शावर लेने से पहले ही मैं करती हूँ। तो ये नीचे वाला वॉशरूम है, तो यहाँ पे मैं क्विक डस्टिंग कर दूंगी, जो मिरर है उसको अच्छे से क्लीन कर दूंगी। अगेन मैं किसी तरह का कोई भी स्प्रे वगैरह यूज़ नहीं कर रही हूँ, निशान लगता है तो हल्का सा डैम्प कर लेती हूँ मैं इसको, और वहीं के वीकली बेसिस पे स्प्रे यूज़ होता है, तो मैं जस्ट रिपीटिंग एवरीथिंग फॉर एवरीवेयर।
तो यहाँ पे हर जगह का जो है वो मैंने एक अलग कपड़ा बनाया हुआ है, एंड एट द एंड ऑफ द डे जितने भी मेरे क्लीनिंग क्लॉथ होते हैं उन सबको मैं विनेगर में एक बार, विनेगर और पानी के सोल्यूशन में एक बार निकाल के और फिर इनको मैं वॉश कर देती हूँ, हैंड वॉश ही करती हूँ थोड़ा सा सर्फ वगैरह डाल के, क्योंकि इतने ज़्यादा तो होते नहीं कि मैं वॉशिंग मशीन चलाऊँ फिर इतना ज़्यादा पानी वेस्ट होता है, तो छोटी सी एक बकेट है उसमें डाल के मैं इनको क्लीन कर लेती हूँ। और हर जगह का जो है वो अलग मैंने डस्टिंग पैड जो है वो बनाया हुआ है। तो बस यहाँ पे ये वाला वॉशरूम जो है मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया, साथ ही जो सिंक है, सॉरी वॉश बेसिन है, उसको भी मैंने क्लीन कर दिया है। और मैंने दोनों वॉशरूम में जो है जैसे वो किचन वाला फेरी लिक्विड होता है ना, तो वो रखा हुआ है, तो उससे ये बेसिन वगैरह बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है। तो स्पंज भी यहाँ का अलग ही है और हर जगह का लिक्विड, ऐसा नहीं कि फिर इस वॉशरूम से चीज़ें ले जाके फिर मैं दूसरे वॉशरूम में यूज़ करूँ, तो कई बार होता है ना फिर आप भूल जाते हो, तो दोनों जगह जो है वो मैंने दोनों चीजें रखी हुई हैं, तो यहीं का यही इस्तेमाल करो, क्लीन करो और यहीं रख दो। तो स्पंज को जो है वो फिलहाल मैंने विंडो में रखा है, धूप निकली हुई है तो वो अच्छे से ड्राई हो जाएगा। और बस यहाँ पे मैंने नीचे वाला वॉशरूम अच्छे से कर दिया है क्लीन, और अब मैं आ गई हूँ ऊपर वाले वॉशरूम में और इसको भी अब मैं क्लीन कर दूंगी। बाथटब और जो टॉयलेट सीट होती है इसको क्लीन करने की जिम्मेदारी होती है विकास की, एवरी डे ही डज दैट, और वो नहाने से पहले वो क्लीन कर देते हैं तो मुझे वो नहीं करना होता है। और बस ईवी सो रही है इस टाइम पे, मॉर्निंग नैप उसकी लॉन्गेस्ट नैप होती है, 1.5 घंटे तक वो सो जाती है, और इस टाइम पे आधा घंटा जो है वो मेरा इन सारी चीज़ों में नहाने धोने में और इन क्लीनिंग वगैरह में मेरा निकल जाता है। इसके बाद दिया बाती करके मैं 15-20 मिनट थोड़ा शांति से बैठती हूँ और फिर मैं अपने जो है अगर मुझे कुछ लंच की प्रेप करनी है तो मैं उसमें लग जाती हूँ, या फिर मैं अपने प्रोजेक्ट जो है वो देखती हूँ, और बस वही फिर रैंडम स्टफ जो है वो चलता है और अपनी टू डू लिस्ट पे टिक मार्क किया जाता है कि क्या क्या काम हो गया और क्या क्या आज का बचा है। तो क्विकली यहाँ पे भी सारी चीज़ें जो हैं सरफेस मैंने अच्छे से यहाँ पे वाइप डाउन कर दिया है, और इसके बाद ये जो मिरर लगा हुआ है फुल लेंथ मिरर है, और साथ ही जो यहाँ पे ये शावर डिवाइडर है इसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी। तो बस यहाँ पे मैंने वॉशरूम जो है ये अच्छे से क्लीन कर दिया है, जो बेसिन है इसको भी मैंने अच्छे से मांज दिया है और ये भी बिल्कुल क्लीन रहती है। तो यू नो ये एक छोटा सा रूटीन होता है एवरीडे का, अगर आप घर के हर कोने को थोड़ा सा क्लीन कर दें तो आपका घर हमेशा मेंटेन रहता है। और बहुत टाइम हो गया था मैंने इस तरह से कोई भी क्लीनिंग वीडियो रिकॉर्ड नहीं करी थी, देन आई थॉट कि आज मैं प्रॉपर पूरे घर को किस तरह से क्लीन करती हूँ वो सब आपके साथ शेयर करूं। आई होप आपको जो है ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने यहां तक इस वीडियो को देख लिया है तो प्लीज लाइक दे के मोटिवेट करना बिल्कुल ना भूलें। अब YouTube पे कोई प्रमोशन तो होता नहीं है काइंड ऑफ के हमारी जो है वो कुछ ओहदा बढ़ा दिया जाए, बस आपका ये लाइक ही है जो हमें मोटिवेट करता है और यही हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रमोशन होता है। तो यस, इसके बाद फिर मैंने शावर ले लिया है, और शावर लेने के बाद सबसे पहला जो मेरा काम होता है दैट इज कैंडल जो है वो मैं जला देती हूँ हर जगह, तो पूरे घर में जो है वो बहुत ही अच्छी सी खुशबू हो जाती है। तो मैंने वॉशरूम में भी जला दी है, इसके बाद बेडरूम में यहाँ पे मैंने रख दी है। अद्वी के रूम में जो है ये अरोमा डिफ्यूज़र है तो इसमें भी मैंने ऑयल डाल दिया है और इसको भी मैं लाइट अप कर दूंगी। और नीचे वाले रूम में टीवी के ऊपर मैंने ये एक ना लाइव आता है ये, और बहुत अच्छा सा है ना, एक डेकोरेटिव ऐसा लगता है कि पेंटिंग है, तो बहुत अच्छे अच्छे थीम आते हैं तो आई ऑलवेज प्ले दैट वन। और बस नीचे वाले फ्लोर पे भी जो कैंडल्स हैं वो मैं लाइट अप कर दूंगी, और यहाँ पे बुद्धा जी के सामने भी जला दूंगी, तो पूरे घर में एक बहुत ही अच्छी सी खुशबू, बहुत ही कोजी सी वाइब आनी शुरू हो जाती है। और इसके बाद भले ही गर्म पानी लेके बैठ जाए तो वो फील ही अलग आती है। तो पूरे घर में हर जगह जो है वो मैंने इस तरह से कुछ ना कुछ सेंटेड रखा हुआ है, और उन सबको मैं लाइट अप कर दूंगी, और साथ ही जो अरोमा डिफ्यूज़र किचन वाला है इसको भी मैं ऑन कर दूंगी।
तो यस, यही थी क्लीनिंग मैराथन फॉर द डे। आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इट वॉज जस्ट अ पावर आर। अगर कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक देके मोटिवेट करना बिल्कुल ना भूलें। और मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।